नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि NVS के द्वारा नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसी निकाल दी गई है और इसके रिगार्डिंग डिटेल्स वीडियो आपको कल ही दे चुके हैं कि किस किस पोस्ट के लिए क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, उसका सिलेबस क्या है, निगेटिव मार्किंग, एग्ज़ाम ऑफलाइन या ऑनलाइन, सब कुछ आपको बता चुके हैं। यदि आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट्स बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप लोग अच्छे से वीडियो देख लें, जो भी आपके मन में डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। ओके दोस्तों, आपको इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं स्पेशल बॉन्ड के बारे में, क्योंकि इस बार NVS के द्वारा बॉन्ड लागू किया गया है। यदि आप लोग NVS के इस वैकेंसी में किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानना जरूरी है। ओके दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बता दें कि इसका अप्लाई कब से स्टार्ट होगा, आप लोग किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो आइए आपको बता देते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोग किस तरह से चेक करते रहें, आपको अप्लाई करने का लिंक कहाँ पे मिलेगा। तो आप लोग जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट के मेन पेज पे आएंगे यानी कि होम पेज पे, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ये जो आप तीन लाइन देख रहे हैं इस पे आपको क्लिक करना होगा और उसके बाद आप लोग रिक्रूटमेंट सेक्शन में आएंगे। आप लोग जैसे ही नीचे आएंगे तो एक रिक्रूटमेंट सेक्शन है ये वाला, इस पर आप लोग देखेंगे फिलअप ऑनलाइन एप्लीकेशन। आप लोग जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको एक पेज ओपन मिलेगा और इसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो पहले वैकेंसी आई थी यानी कि 2022 में जो वैकेंसी आई थी, जिस तरह से उसका लिंक दिया गया है उसी तरह से आपको इस वैकेंसी का भी लिंक मिलेगा जो कि स्टार्टिंग में ही रहेगा। ओके अभी लिंक नहीं दिया गया है तो आप लोग चेक करते रहें, जैसे ही लिंक एक्टिव होगा कोई भी नोटिस आती है तो आपको इस चैनल पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप लोग खुद से भी चेक करते रहें। ओके तो अप्लाई करने का लिंक आपको इस सेक्शन में मिल जाएगा फिलअप ऑनलाइन एप्लीकेशन में, और उसके बाद आप लोग यदि वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो आप लोग वो भी देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे दोस्त लोग ये बोल रहे थे कि ये फेक नोटिस है, तो फेक नहीं है, ऑलरेडी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुकी है। तो आप लोग रिक्रूटमेंट सेक्शन में ही इस वैकेंसी पे आप लोग क्लिक करेंगे, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आप लोग जैसा कि देख सकते हैं ये स्टार्टिंग में ही है, नोटिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव 2024 फॉर वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट ऑफ हेडक्वार्टर RO एंड JNV कैडर इन NVS। ओके तो ये 15 मार्च का अपडेट है और यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करके आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं और अच्छे से पूरा नोटिफिकेशन आप लोग पढ़ सकते हैं। ओके और दोस्तों जहाँ तक रही कि ऑनलाइन कब से स्टार्ट होगा, तो जैसा कि आपको बताए हैं कि मार्च में ही ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट होने का चांस बहुत ही ज़्यादा है, आप लोग चेक करते रहें। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी से ही प्रिपरेशन में लग जाएं तो आपके लिए अच्छा होगा, आप इसमें एक सीट पक्का कर पाएंगे। ओके दोस्तों, अब आइए आपको बॉन्ड के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आइए हम लोग बॉन्ड के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं कि इस नोटिस में क्या लिखा हुआ है। ओके तो दोस्तों NVS का नोटिफिकेशन हमने ओपन कर लिया है, आइए आपको दिखाते हैं कि बॉन्ड के बारे में कहाँ पे लिखा गया है। दोस्तों आप लोग इस पॉइंट को अच्छा से पढ़ेंगे, जनरल इंस्पेक्शन जो दिया हुआ है इसमें आप जब नीचे आएंगे तो एक पॉइंट आपको मिलेगा, वो 20 नंबर जो पारा है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ऑन बींग सेलेक्टेड, मतलब जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद आपको कम से कम 2 साल जॉब करना ही पड़ेगा NVS में। ओके अभी क्या होता है दोस्तों कि बहुत सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है, वो ज्वाइन भी करते हैं, 6 महीना जॉब करते हैं और वो कहीं और अप्लाई किए रहते हैं, उनको इससे अच्छा पोस्ट में जॉब हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है, तो वो फिर क्या करते हैं कि रिजाइन कर देते हैं। अब इससे क्या प्रॉब्लम होती है दोस्तों कि जो ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो खर्च आई है, जो करवाने में टाइम गया है, उससे क्या होता है कि NVS को जो है लॉस होता है। लॉस कहने का मतलब ये है कि वो चाहती है कि उसके NVS में स्टाफ रहे, उसका जो काम है वर्क है वो कंटिन्यू होते रहे, वो रुकना नहीं चाहिए। लेकिन जब स्टाफ ही नहीं रहेगा वो रिजाइन कर देगा, ज्वाइन करने के साथ साथ 2 महीना में 6 महीना में 1 साल में रिजाइन कर देगा, तब तो फिर स्टाफ तो फिलअप रहेगा ही नहीं, है ना। तो ये पहले KVS भी किया था, जब 2017 में वैकेंसी आई थी तो ये KVS भी किया था, 2 लाख का बॉन्ड किया था। ओके हाँ आपको हम बॉन्ड के बारे में बताए भी हैं और हमने भी जब KVS से रिजाइन किया था तो 2 लाख बॉन्ड भर के आया था, यानी कि 2 लाख मैंने पेमेंट करके आया था। ओके क्योंकि 6 मंथ के अंदर ही हमने जो रिजाइन दे दिया था और KVS में भी कंडीशन था कि आपको 2 साल कम से कम जॉब करना पड़ेगा, लेकिन इसका भी एक रूल है दोस्तों कि आपको एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। ओके और हमने वो जो 2 लाख दे के आया था
वो 2 लाख रिटर्न भी हो चुका है। ओके, उसके रिगार्डिंग भी आपको अच्छे से बताएंगे, समझाएंगे उसका क्या रूल है, बाद में KBS कौन सा नोटिस निकाला। इस बार जो KBS का वैकेंसी आया था उसमें बॉन्ड को हटा दिया गया था। ओके, तो आपको अभी इसके बारे में बताते हैं और आपको ये भी बताएंगे कि आपको एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा यदि आप 2 साल से पहले भी जॉब छोड़ते हैं तो। ओके, तो दोस्तों आप लोग इस पॉइंट को अच्छे से समझ लें। इसमें लिखा हुआ है कि आपको कम से कम 2 साल जॉब करना ही पड़ेगा NBS में। यदि आप जॉब छोड़ते हैं 2 साल से पहले तो आपको 3 लाख रुपया डिपॉजिट करना पड़ेगा, यदि आप 2 साल से पहले छोड़ते हैं तो। ये इसमें कंडीशन लगा दी गई है, आपको ज्वाइन करने के साथ साथ आपको कोई भी पैसा देना नहीं है, आपको सिर्फ एक बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब होता है आप जो नोटरी से बनाते हैं एग्रीमेंट टाइप का एक। ओके, आपको ये नोटरी बना देगा। हमने भी जब KBS में गया था ज्वाइन करने के लिए तो नोटरी से बनवा के गया था। आपको ज्वाइनिंग के टाइम एक परफॉर्मा मिल जाएगी, आपको मेल पे डॉक्यूमेंट सब आएगा, उसमें एक बॉन्ड का भी डॉक्यूमेंट रहेगा जो कि आपको जाके नोटरी से बनवाना पड़ता है। ओके, उसमें सिर्फ एक एग्रीमेंट रहता है कि आप 2 साल से पहले जॉब नहीं छोड़ेंगे और यदि आप छोड़ते हैं तो जो बॉन्ड का अमाउंट होगा वो आपको देना पड़ेगा, यानी कि आप जो एग्रीमेंट करेंगे वो आपको देना पड़ेगा। तो इसी तरह से NBS भी ये एग्रीमेंट एक तरह से आपसे करवाएगा कि यदि आप 2 साल से पहले छोड़ते हैं तो आपको 3 लाख डिपॉजिट करना पड़ेगा। ये इस बार NBS लागू कर दिया है। समझ में आ गया दोस्तों? और अब बात रही कि आपको एक भी पैसा नहीं लगेगा, उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो दोस्तों ये गवर्नमेंट का रूल है, यानी कि DOPT का रूल है। यदि किसी गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर ऑटोनोमस बॉडी जो गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है उसमें आप ज्वाइन करते हैं और उसमें बॉन्ड का सिस्टम है कि आपको कम से कम 2 साल जॉब करनी है। मान लीजिए कि आप NBS में 1 साल जॉब किए और अब आप चाहते हैं कि रिजाइन करना और किसी और सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में ही आप ज्वाइन करना चाहते हैं, किसी और अच्छा पोस्ट पे आपका जॉब हो गया है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आप जब NBS ज्वाइन करेंगे उसी टाइम आप एक एप्लीकेशन में लिख के दे देंगे कि मैंने यहाँ 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 अप्लाई किया हुआ है, एग्ज़ाम दिया हुआ है, फाइनल रिजल्ट इसका जो है पेंडिंग है, इसका जो है PT एग्ज़ाम होने वाला है, जो भी है आप उसको डिटेल्स लिख के दे देंगे एप्लीकेशन में, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके फाइल में लगा रहेगा। आप जब रिजाइन करेंगे, मान लीजिए 1 साल के बाद यदि आप रिजाइन करते हैं तो अभी भी आपको कंडीशन के अनुसार 1 साल और जॉब NBS में करना था। ओके, लेकिन DOPT का ये रूल है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट यदि आप जा रहे हैं, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत ही जॉब कर रहे हैं तो आप जिस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं ज्वाइन करने के लिए फिर से, वहाँ पे आपको कम से कम 1 साल और जॉब करना पड़ेगा। ओके, यानी कि आप 1 साल NBS में किए और 1 साल आप जिस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं उस डिपार्टमेंट में आप 1 साल जॉब और कर लेंगे तो ये आपका गवर्नमेंट के अंतर्गत 2 साल का जॉब आपका जो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि बॉन्ड के अकॉर्डिंग आप 2 साल का सर्विस कर चुके हैं। अब आप लोग बोलिएगा कि ये तो कह रहा है कि NBS में 2 साल करना पड़ेगा, तो हाँ ये जो लिखा रहेगा आपको NBS में 2 साल करना पड़ेगा, KBS में भी यही लिखा था कि KBS में आपको 2 साल जॉब जो करना पड़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट का वो ऑर्डर है, आपको एक वीडियो लाएंगे और अच्छे से बता देंगे और उसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग KBS भी फिर से एक ऑर्डर निकाला था कि यदि कोई गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जा रहा है तो बॉन्ड ट्रांसफर होगा या फिर उसका जो है पैसा वापस होगा, जो भी डिपॉजिट करके गया है उसका पैसा रिटर्न होगा। ये DOPT का ऑर्डर है, वो भी आपको एक दिन हम दिखा देंगे, एक वीडियो बता। ओके, तो आप लोग भी निश्चिंत रहें, यदि आप कम से कम 2 साल का जॉब कर लेते हैं तो फिर इस कंडीशन को तो आप फुलफिल कर ही दीजिएगा। यदि आप 2 साल के बाद रिजाइन करिएगा तो आपको जो 3 लाख देना नहीं पड़ेगा, यदि आप उससे पहले करते हैं और आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत ही किसी डिपार्टमेंट में जाके ज्वाइन करते हैं तो आपको एक भी पैसा नहीं देना होगा, बॉन्ड आपका ट्रांसफर हो जाएगा उस डिपार्टमेंट में। ओके, हाँ, तो इसका भी रूल है, आप लोग सब कुछ समझे जाने, आपको एक भी पैसा देना नहीं होगा। लेकिन हाँ, यदि आप पर्सनल रीजन पर रिजाइन करते हैं, आप ये बोलेंगे कि आप कहीं नहीं जा रहे हैं, कहीं आप ज्वाइन नहीं करेंगे, तो फिर आपको 3 लाख देना ही पड़ेगा यदि आप 2 साल से पहले रिजाइन करेंगे तो। ओके, तो दोस्तों यही बॉन्ड का कंडीशन है, आप लोग बस समझें। आप लोग ये सुन के टेंशन में नहीं आए कि हमको 3 लाख देना पड़ेगा, आपको एक भी रुपया नहीं देना पड़ेगा। यदि आप 2 साल जॉब कर लेते हैं NBS में तो फिर आपको एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। यदि आप 2 साल से पहले भी रिजाइन करते हैं और किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के ही डिपार्टमेंट में आप जाके ज्वाइन कर रहे हैं तो भी आपको एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, ये गवर्नमेंट का रूल है। ओके, आपको उसके बारे में भी बता देंगे, लेकिन आपको एक काम यही करना पड़ेगा कि आप जब ज्वाइन करेंगे, ज्वाइनिंग के साथ ही साथ आप पूरा डिटेल्स बता देंगे कि हम यहाँ 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 अप्लाई किए हुए हैं, मेरा ये सब रिजल्ट पेंडिंग है। ओके, हाँ, उसको कहा जाता है इंटीमेशन। ओके, आप ज्वाइन के साथ साथ ही इंटीमेट कर देंगे कि हमने ये सब एग्जाम दिया हुआ है, मेरा ये सब पेंडिंग है। ओके, तो होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गई होगी। यदि इसके अलावा भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट्स करें, रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। आप लोग घबराएं नहीं, बॉन्ड इसलिए लागू करता है
कि कोई भी डिपार्टमेंट चाहता है कि हमने जो कैंडिडेट को सेलेक्ट किया है वो मेरे डिपार्टमेंट में जॉब करे, जल्दी छोड़े नहीं, इसलिए ओके, क्योंकि रिक्रूटमेंट प्रोसेस में टाइम भी लगता है, खर्च भी ज़्यादा होता है, इसलिए कोई भी डिपार्टमेंट चाहती है कि हम जो भी स्टाफ को सेलेक्ट किए हैं वो अच्छा से रहे और काम करे, ओके। तो दोस्तों यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दें। यदि आप NVS के इस एग्जाम के लिए हिंदी का, कंप्यूटर का, GKGS का एक बेहतरीन प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इस चैनल पर हिंदी का, कंप्यूटर का, GKGS करंट अफेयर्स का एक बेहतरीन कंटेंट मिलेगा जो आपको इस एग्जाम में अच्छा खासा हेल्प करेगा, ओके। तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा न्यूज़ लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।